एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम आप पर बात करेंगे जो यूरोपियन क्रिकेट लीग ग्रुप एफ के आज से मैच स्टार्ट होंगे और ये ईसीएल सीरीज का आखिरी ग्रुप है। इसके बाद में चैंपियंस लीग स्टार्ट होगा, तो इसमें पहला जो मैच है वो खेला जाएगा सिम्स वर्सेस आरियाना आकीफ के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है तो वीडियो ज़रूर देखना, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट काम, अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट T10 में होता है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना, क्योंकि वहाँ पर बैटिंग ऑर्डर आएगा जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में जाओगे जहाँ पर आप कमेंट करते हो तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे इस मैच के बारे में, 4 बजे मैच स्टार्ट होगा, मैच सेम ग्राउंड पर खेला जाएगा, बैलेंस सरफेस है, एवरेज स्कोर 90 से 110 बनता है। 70 मैचेस यहां पर हो चुके हैं, 31 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 38 में चेज हुआ है, एक मैच यहां पर नो रिजल्ट रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि चेज करने वाली टीम को थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। आरियाना आकीफ की जो टीम है ये स्वीडन का क्लब है, ये बात मैं आपको बता दूं, इनकी तरफ से मोस्ट प्रोबेबली ओपन करने चाहिए धीरज मल्होत्रा और देवरचन दास, ये दोनों मेरे हिसाब से ओपन करने चाहिए। धीरज मल्होत्रा जो है बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करता है, करियर में 26 मैच में 601 27 विकेट है, जबकि सिर्फ 2022 के अंदर अगर आप देखोगे तो 11 मैच में इसके नाम 220 तो रन है, 27 का एवरेज हो, 13 विकेट भी 18 ओवर डाल के, मतलब बैटिंग भी करेगा साथ के साथ बॉलिंग भी करवाएगा, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक है। देवरचन दास की बात करूँ तो ओवरऑल 22 T10 में 417 रन 10 विकेट 27 ओवर डाल के, लेकिन 2022 के अंदर 7 मैच खेले उसमें 73 रन 10 का एवरेज है और बॉलिंग भी नहीं करवाई, तो 2022 का साल इसका उतना खास नहीं रहा है। फिर आएंगे ऐसे नसेर बलूच जो कि बहुत खतरनाक ऑलराउंडर है, 11 मैच में 263 रन 52 का एवरेज है T10 में और 9 विकेट इसके नाम है 21 ओवर डाल के, तो ये ऐसा बंदा है जो कि बैटिंग के साथ साथ आपको 2 ओवर कंफर्म देगा। संबित पटनायक आएंगे यहाँ पर, इनको दिया हुआ है बैटिंग सेक्शन में 20 T10 में 287 जीरो विकेट है 7 ओवर डाल के ओवरऑल, और 2022 में 11 मैच में 160 22 का एवरेज 0 विकेट है, तो देखते हैं अगर ये टॉप फोर में बैटिंग करेंगे तो आप पिक कर सकते हो। ओक्ताई गोलामी है, ये बॉलिंग करवाता है लेकिन हर मैच में बॉलिंग नहीं करवाता, पार्ट टाइम बॉलिंग करवाता है, ये बात आप ध्यान में रखना। 22 T10 में 88 रन 12 विकेट है ओवरऑल और 2022 में 16 मैच में 80 रन 9 विकेट है 13 ओवर डाल के, अब आप देखो 16 मैच में सिर्फ 13 ओवर डाले, मतलब एक ओवर मिलता है, कभी बॉलिंग नहीं भी मिलती और कभी कभी 2 ओवर डालता है, तो हर मैच में बॉलिंग नहीं मिलती इसको। धर्मेंद्र सिंह है, 17 T10 में 26 रन 7 विकेट है ओवरऑल और 2022 में 11 मैच में 12 रन 7 विकेट है, जो हाल ओक्ताई गोलामी का है वही हाल इसका है बिल्कुल। खालिद मोहम्मद है, ये ओपन भी कर लेता है लेकिन अभी ओपनर अच्छे हैं टीम के पास, तो हो सकता है कि नीचे खेले या फिर खेले ही ना, T10 में इसके नाम 17 मैच में 257 है, अगर टॉप ऑर्डर में खेलता है तो इम्पोर्टेंट रहेगा। हरदीप वीरक विकेट कीपर है लेकिन ज़्यादातर नीचे खेलता है, 15 मैच में 134 12 का एवरेज 3 विकेट है। रहतुल्ला है, इसके नाम 10 T10 में 57 रन 5 विकेट हैं ओवरऑल, और 2 डोमेस्टिक T10 जो कि क्लब लेवल का होता है, छोटे लेवल के T10 होते हैं, वहां पर 9 मैच में 35 रन 10 विकेट है 18 ओवर डाल के। कृष्णा दिगमूर्ति है, T10 में 9 मैच में 9 विकेट है, और जो क्लब लेवल के T10 होते हैं डोमेस्टिक T10 वहाँ पर 6 मैच में 1 विकेट है। और सेडिक साहक के नाम 13 मैच में 13 विकेट है, ये मेरे हिसाब से 2 ओवर आपको कन्फर्म देना चाहिए। तो यहाँ से आपको 4 प्लेयर ऐसे दिख रहे होंगे जो कन्फर्म 2 ओवर देंगे, एक तो सेदिक साहक है, इसके अलावा ऊपर से यहाँ से जो है नसेर ब्लूच है और धीरज मल्होत्रा है, ये 3 तो आपको कन्फर्म 2-2 ओवर देंगे। इसके अलावा जो 4 ओवर बचते हैं ना वो डालेंगे ओक्ताई गोलामी, धर्मेंद्र सिंह, रहतुल्ला और कृष्णा दिगमूर्ति, भी हो सकता है कि 2 ओवर डाल जाए, तो मतलब कुछ जो 3 मैंने आपको बॉलर बताया ना वो तो आपको कंफर्म 2-2 ओवर देंगे। तो यहाँ से देखो अभी के लिए आप किसको रख सकते हो, तो धीरज मल्होत्रा बिल्कुल होने चाहिए क्योंकि टॉप क्लास ऑलराउंडर है, नसर ब्लोच टॉप क्लास ऑलराउंडर है, संबित पटनायक या फिर देवरचन दास, दोनों में से आप किसी एक को रख लेना, जो भी मेरे हिसाब से ऊपर खेलेगा उसको रखना बेस्ट रहेगा। और इसके अलावा धर्मेंद्र को और ओक्ताई गोलामी को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, नीचे से मैं रखूँगा सैदिक साहक को रखूँगा, और अगर एक और बॉलर मेरे को रखना हुआ तो मैं कृष्णा दिगमूर्ति को रखूँगा।
बाकी जो बेंच पर प्लेयर हैं उनके स्टेट्स देख लो तो श्रीकांत मेडवरुप्पा हैं जिसके नाम T10 में 11 मैच में 95 रन 5 विकेट है 14 ओवर डाल के। बिलाल अब्दुल हैं T10 में 4 मैच में 1 विकेट है जबकि डोमेस्टिक T10 में 4 मैच में 2 विकेट है। आयूब अजीज हैं T10 में 2 मैच में 1 विकेट है जबकि डोमेस्टिक T10 में 7 मैच में 5 विकेट है। पवन कुमार के नाम डोमेस्टिक T10 में 10 मैच में 155 8 विकेट है 19 ओवर डाल के। ध्यान रखना पवन कुमार ने डोमेस्टिक T10 में बैटिंग और बॉलिंग दोनों फुल करवाई है, तो अगर ये खेलता है तो GL का एक ट्रंप आपके लिए बिल्कुल बन सकता है। अब बात करेंगे यहाँ पर दूसरी टीम जिनके स्टैट्स आपको मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये जो क्लब है ये आयरलैंड का क्लब है। अब इनकी तरफ से देखो ओपन कौन करना चाहिए, तो जॉन मैचेट और क्रिस्टोफर डोहर्टी ये दोनों ओपन करने चाहिए। जॉन मैचेट आपने जो भी यहाँ पर ECC हुआ था उसमें भी देखा होगा आयरलैंड के लिए खेला था और ओपन ही करता है। 10 T10 के मैच खेला हुआ है जिसमें 101 रन है 20 का एवरेज है, बिल्कुल आपकी टीम में होना चाहिए। क्रिस्टोफर डोहर्टी हैं T10 तो अब तक नहीं खेला लेकिन T20 का इन्होंने आयरलैंड के लिए डोमेस्टिक लेवल पर, क्लब लेवल नहीं बोल रहा मैं, डोमेस्टिक लेवल पर एक मैच खेला है उसमें 42 रन है और लिस्ट ए के भी 6 मैच में 124 हैं, तो ये भी एक बढ़िया प्लेयर है। जेसन वेंडर मरवे हैं इनके नाम, देखो राइट हैंड बैटिंग पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है। अब देखो इनका रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो 2-0-10-28-24 है जबकि 2017 ODD में इन्होंने अपने क्लब के लिए 3 मैच खेले थे, 47 रन थे, 3 विकेट थे, 6 ओवर डाल के, कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। जेकोब मोल्डर एक और बहुत शानदार प्लेयर है जो कि राइट हैंड बैटिंग करेगा, लेग ब्रेक बॉलिंग करवाएगा, ये ना अच्छे लेवल पर खेला हुआ है आयरलैंड के लिए। 31 T20 में इसके नाम 43 रन है और 35 विकेट है, बहुत अच्छा बॉलर है। रिसेंट फॉर्म नो बैटिंग 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 14 एक विकेट है लेकिन यहाँ पर ये इससे कहीं गुना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। कार्सन मैकलो ये तो लास्ट सीजन भी खेला था ECC में आयरलैंड 11 के लिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 6 मैच खेला था उसमें 8 विकेट थे, 8 ही ओवर डाले थे, बहुत अच्छा बॉलर है ये। इसके बाद में आएंगे एलन कोल्टर। अब देखो इन्होंने ना ये इनका जो फॉर्म है ये है 2008 जो इन्होंने अंडर 19 खेला था उसका 1 विकेट 2 विकेट, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपने डोमेस्टिक लेवल पर क्लब लेवल पर मिलाकर 31 मैचेस खेले हैं जिसमें 164 रन है और 23 विकेट हैं, तो मेन काम इसका जो है ना वो बॉलिंग का है, ये बात आप ध्यान में रख के चलेगा। एंगस फेराले हैं, इसने ओवरऑल 7 मैचेस खेले उसमें 3 विकेट है इसके अपने क्लब के लिए 13 ओवर डाल के। जैक बिटी हैं ओवरऑल 62 मैच में 336 एक विकेट है जबकि 2016 अंडर 12 में 11 मैच में 7 विकेट है, लेकिन ये अंडर 12 का रिकॉर्ड है और ये ओवरऑल इनका रिकॉर्ड मेरे को मिला है। एडम हिजली इनका सिलेक्शन रेट बहुत हाई है लेकिन इन्होंने सिर्फ एकमात्र मैच खेला है जिसमें 1 रन इन्होंने किया था, उसके अलावा इनका मेरे को कोई भी रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। एडम नीडी है ओवरऑल 21 मैच में 32 रन 4 विकेट है जबकि 2017 ODD में 3 मैच में 36 रन 2 विकेट है 12 ओवर डाल के। क्रिस रॉबिन्सन के नाम ओवरऑल 14 मैच में 18 रन 18 विकेट है, तो यहाँ से देखो इनके मेन मेन बॉलर कौन है, तो एक मेन बॉलर है इनका जेकोब मोल्डर, कार्सन मैकलो, एलन कुल्टर, जैक बिटी भी मेरे हिसाब से ओवर डाल सकते हैं और इसके अलावा क्रिस रॉबिन्सन, ये दोनों मेरे हिसाब से एक एक ओवर डाल सकते हैं, तो ये इनके 10 ओवर डालने चाहिए अभी के लिए। देखो मैं यहाँ से रखूँगा जॉन मैचेट, क्रिस्टोफर डोहर्टी, इसके अलावा जेकोब मोल्डर, कार्सन मैकलो, एलन कुल्टर और नीचे से मैं यहाँ पर अपने टीम में रखने वाला हूँ क्रिस रॉबिन्सन, ये भी अच्छा बॉलर है। बाकी जो बेंच पर प्लेयर हैं उनमें से ओलिवर टॉपिंग है जिसके नाम 2018 ODD में 2 मैच में 2 रन है जबकि 2017 ODD में 1 मैच में 0 विकेट है। मार्क बेस्ट का अब तक मेरे को रिकॉर्ड नहीं मिला है और देखो इन सभी प्लेयर के मैं अभी भी रिकॉर्ड फाइंड कर रहा हूँ, वैसे मैंने ज़्यादातर जो सारी साइट्स थी सब चेक किए, मैं कल रात से यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो मेहनत के लिए एक लाइक कर देना भाइयों, आपके सपोर्ट से ही हम यहाँ पर है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो अभी यहाँ पर अपन चलते हैं डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की बात करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो जो आयरलैंड की टीम है इनके प्लेयर के मैं स्टैट्स अभी भी फाइंड कर रहा हूं, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना क्योंकि वहां पर आपको बैटिंग ऑर्डर और अगर किसी भी प्लेयर का मेरे को रिकॉर्ड मिलता है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जुड़ना बहुत सिंपल है टेलीग्राम चैनल पर, एक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, दूसरा कमेंट सेक्शन में भी सबसे पहले कमेंट में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं डेमो टीम की, तो यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से सी डोहर्टी को रखा है, बैटिंग सेक्शन से संबित पटनायक, रहतुल्ला, जैकब बिटी को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से जे मोल्डर, डी मल्होत्रा, एन ब्लाउच और जे मचेट को रखा है,
और बॉलिंग सेक्शन से सेडिक शाह, सी मैकलो और इसके अलावा एलन कुल्टर को रखा है। कैप्टन जे मुल्डर, वाइस कैप्टन एन ब्लाउच है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम मैंने आपको बताई दिया, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो सबसे पहले यहाँ पर मिल जाए। थैंक यू भाइयों।